नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा तृतीया विषय हिंदी का सातवां, तो हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत अध्याय तीसरा शिष्टाचार, तो शिष्टाचार पाठ पढ़ा भी था और समझा भी था। इसके साथ साथ हमने कुछ प्रश्न उत्तर भी किए और इससे पहले वाले वीडियो में हमने पाठ का सारांश भी समझा था और लिखा भी होगा। तो इसके पश्चात ही आज हम पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, शिष्टाचार पाठ के अंतर्गत एक मगन नाम का लड़का होता है और उसमें किस प्रकार के व्यवहार होते हैं, किस प्रकार के गुण होते हैं, उनके बारे में हम वर्णन कर रहे हैं। तो इसके पश्चात देखिए, मगन अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करता है, यानी मगन नाम का जो लड़का होता है अपने गुरुजी का, अपने माता पिता का और घर आए हुए अतिथियों का, मेहमानों का बहुत ही अभिवादन उत्साह जिज्ञासा के साथ वो सम्मान करता है, आदर पूर्वक उनकी चाकरी में लगा रहता है। वह उनका आदर से अभिवादन करता है, कक्षा में उनकी कुर्सी पर कभी नहीं बैठता है। यानी मान लो किसी कारणवश भैया जी आए नहीं है, दीदी जी आए नहीं है और कक्षा खाली पड़ी है, तो कभी भी मगन के अंतर्गत इस प्रकार का शिष्टाचार का व्यवहार था, गुण था कि हम जहां पर भैया जी दीदी जी बैठते हैं उस कुर्सी पर हम नहीं बैठेंगे। कभी किसी की मजाक नहीं उड़ाता है, मजाक का मतलब हंसी, यानी किसी के बारे में वो मजाक करता ही नहीं, किसी की हंसी कारण से गुरुजी कक्षा में नहीं है तो आते तो उदम नहीं मचाता। उदम का मतलब बदमाशी। कोई क्या करता है कि कक्षा में गुरुजी नहीं आए हैं, भैया जी नहीं आए हैं, तो हम कक्षा में एक दूसरे भैयाओं के साथ हम मारपीट शुरू कर देते हैं, दूसरा कार्य शुरू कर देते हैं, तो मगन के अंतर्गत इस प्रकार का व्यवहार था नहीं। अपना पाठ याद करता रहता, वह हमेशा पाठशाला के नियमों का पालन करता है, पाठशाला के विद्यालय के जो नियम थे, निर्देश थे, उन नियमों का, उन निर्देशों का वो बहुत ही उत्साह से नियमों की पालना करता है। मगन जब कभी बाग बगीचे में घूमने जाता है तो पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं तोड़ता है। आज हम भी घूमने के लिए जाते हैं, हमें किसी पेड़ पौधों की पत्तियां या फूलों की आवश्यकता है ही नहीं, फिर भी हम क्या करते हैं कि दो फूल अजारे के ले लिए, दो सूरजमुखी के ले लिए, इस प्रकार हमने बहुत सारे फूल तोड़ तोड़ करके हमारे पास में इकट्ठे कर लेते हैं और हमें फूलों की आवश्यकता भी नहीं है। मान लो हमें फूलों की एक फूल की आवश्यकता है तो मगर एक फूल ही तोड़ता, और आज हम क्या करते हैं, हमें एक फूल की आवश्यकता है और उसके साथ हम 20 फूलों को और तोड़ लेते हैं, तो व्यक्ति में हम फूल तोड़ते हैं। और आज हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे और पत्तियों को हम फालतू के अंतर्गत जुड़ करके उनको तोड़ देते हैं, डाली के ऊपर नोच डाल देते हैं। मगर कभी ऐसा नहीं करता, बाग बगीचे के अंतर्गत घूमने जाता तो वो पेड़ पौधों की पत्तियों को नोचता नहीं, फालतू के अंतर्गत फूलों को तोड़ता नहीं, व्यर्थ में कभी फूल नहीं तोड़ता। व्यर्थ का मतलब होता बेकार, हमें आवश्यकता है ही नहीं फूलों की तो हम फूल क्यों तोड़े। इस प्रकार का मगन के अंतर्गत व्यवहार था, गुण था, कहीं भी किसी जानवर को नहीं सताता। यानी जानवर मान लो बेचारे पशु है, गाय है, मान लो कुत्ते हैं, तो उन पशुओं को, जानवरों को सताता नहीं। वहां पर हम क्या करते हैं, आज मान लो हम कहीं मार्ग से जा रहे हैं और एक तरफ बेचारा कुत्ता सो रहा है, बैठा है, तो हम क्या करते हैं, उसको पत्थर से मार देते हैं, परंतु मगन ऐसा नहीं करता।
ये जानवर है, ये हमारे समान है, हम इसको नहीं सताएंगे। वह सभी के प्रति सहानुभूति रखता है, रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, सड़क पार, सिनेमाघर हो या बाग बगीचा, मगर शिष्टाचार कभी नहीं भूलता। मगर के अंदर जो व्यवहार था, व्यवहार के अंदर गुण थे, उन गुणों को मगर कभी नहीं भूलता, हमेशा याद रखता। कभी कभी कुछ लोग शिष्टाचार का दिखावा करते हैं, वे सोचते हैं ऐसा करने से हमें अच्छा समझा जाएगा। लोगों को दिखाने के लिए किया गया शिष्टाचार टिकू नहीं होता है, यानी दूसरों को बताने के लिए हम शिष्टाचार करते हैं। दूसरों के देखा जाए तो हमने गुरुजनों का, अभिभावकों का, मेहमानों का स्वागत करते हैं, परंतु आज किया कल भूल गए। वापस किसी के देखा ले, कोई आया और उसके साथ साथ हम भी गुरुजनों का सम्मान करते हैं, घर आए हुए अतिथियों का, मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। आज किया कल भूल गए, परसों किया दो दिन बाद वो और भूल गए, ऐसा शिष्टाचार हमारे अंतर्गत टिकाऊ नहीं होता। व्यवहार के अंतर्गत होना चाहिए शिष्टाचार कि हम दूसरों के प्रति सम्मान करें, आदर पूर्वक रहें, गुरुजनों का सम्मान करें, तो इस प्रकार का व्यवहार हमारे अंतर्गत होना चाहिए। कोशिश यह करनी चाहिए कि शिष्टाचार हमारे स्वभाव में विशेषता बन जाए, हमारे व्यवहार में बन जाए, स्वभाव में बन जाए। प्रतिदिन रोजाना हम मंदिर जाएं, देवताओं की पूजा करें, स्नान करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, झूठ नहीं बोलना, हमेशा चाहे कितने भी लोग हो, सत्य बात हो, उस सत्य बात को हमें बता देना चाहिए। ऐसा नहीं एक आदमी झूठ बोलता है, हमारा मित्र झूठ बोलता है और उसके पीछे पीछे हम भी झूठ बोल देते हैं, कभी नहीं। प्राय बस या रेलवे चलते समय लोग धक्कामुक्की करते हैं, मान लो बस आई है बस स्टेशन पर, तो लोग क्या करते हैं, हमारी सीट रोकने के लिए धक्कामुक्की करते हैं, एक इधर मुक्की करता है और दूसरा इधर, तो आगे क्या होता है, नुकसान हो जाता है, चोट पहुंच जाती है, इससे किसी को चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है। ऐसे अवसरों पर हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, बारी का मतलब हमारा अवसर, मौका, उनकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। वोट देता कमजोर लोगों की मदद करना चाहिए, मदद यदि सहायता, कोई बुढ़ा आदमी बस स्टेशन पर खड़ा है और उसको बस में चलाने के लिए थोड़ी मदद की आवश्यकता है, बेल्ट रखने की आवश्यकता है, तो हमें रखना चाहिए। ऐसा नहीं मैं क्या रखूं, मेरा थोड़ी है, रोड पर चला लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कोई भी वर्ग आदमी है, बुढ़ा आदमी है, वो हमें आशीर्वाद देता है, वो कई मोल है, उसका किसी भी प्रकार का मोल नहीं है। हमें क्या करता है, भगवान आपका भला करे, आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, तो वो हमें कई गुना आगे बढ़ा सकता है, उनका आशीर्वाद हमें कई गुना आगे बढ़ा सकता है। तो हमें वृद्ध लोगों की, बूढ़े लोगों की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। शिष्टाचार ऐसा फूल है जिसकी सुगंध हमेशा अपने वातावरण को सुगंधित रखती है, अपने वातावरण यानी हमारे आसपास का जो आवरण है। कोई पूछता है कि उसकी संतान कैसी है, अरे वो तो बहुत ही अच्छी है, सुंदर संतान है, तो ये हमारी सुगंध हो गई, क्या हुई, सुगंध, शिष्टाचार हो गया हमारा, हमारा गुण हो गया, हमारा व्यवहार हो गया। कि कोई पूछता है कि उसका लड़का कैसा है, उसकी बच्ची कैसी है, तो उसका व्यवहार अच्छा होगा, सुंदर होगा, तो लोग अपने आप अच्छा कहेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे, जो करे कार्य वो पेटीएम के माध्यम से भेज रहे हैं। राम राम।